Hi, creative mind and tech wizard! Imagine having the power to create flawless characters, maintaining their essence from every angle with just few clicks. Well, guess what? It is not just imagination anymore. Welcome to the ultimate guide on mastering Focus AI for consistent character creation. I'm here to unlock the secret of generating faces, bodies, and clothies that stay true, no matter the perspective. So, grab your digital pen. Fire up your creativity and let's dive into the world of endless possibilities with Focus AI. Are you ready to revolutionize your character design process? So, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोकस एआई आई की वजह से हम लोग किस तरह से कंसिस्टेंट फेस कंसिस्टेंट कैरेक्टर कलर्स एंड पोजेस क्रिएट कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग इज दैट कि मैं ये सारे काम करने वाला हूँ गूगल कोलैब्स के ऊपर सो गूगल कोलैब्स पर काम करते वक्त जो भी इशूज आते हैं सपोज जो एरर आते हैं मैं उनके बारे में भी अब बात कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ सो डोंट स्किप द वीडियो एंड एंड तक इसको जरूर देखिएगा एंड एट द एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन लेट्स गेट स्टार्ट तो हम लोग कोनेब नोटबुक पर आ चुके हुए हैं अपर राइट कॉर्नर पर कनेक्ट का बटन है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और वेट करूँगा अंटिल के ये ग्रीन हो जाए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है देन प्ले के बटन पर क्लिक करूंगा और वेट करेंगे एंडिल की अपनी तमाम तरह रिक्वायर्ड फाइल को वो डाउनलोड कर ले दैन हमारे पास इसका जो है वो गाडियो लिंक जनरेट हो जाएगा इस लिंक पर क्लिक करेंगे और फोकस जो है वो रन हो जाएगा अब हमें कुछ रेपोजिटरीज चाहिए होंगे जो प्री रेपोजिट उसके लिए हम लोग चले जाएंगे अनैटमी थ्री सिक्सटी की वेबसाइट पर और यहाँ पर फ्री रेफरेंसेज में जाकर अपने डिजायर्ड जो है वो इमेजेस लेंगे एज ए रेफरेंस इमेज को हमने इस्तेमाल करना है सो मैं क्लॉथिज पर क्लिक करूँगा क्लॉथिंग में जाकर मेरे पास डिफरेंट इमेजेस होंगे कुछ थोड़ी सी जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इस वेबसाइट को उसके बाद ये एक्सेसिबल होंगे मेरे पास किसी भी डिजायर्ड इमेज पर क्लिक करने के बाद मैं अगर उस पर सेव के ऑप्शन को चूज करूँगा या सेव एज इमेज करूंगा तो मैं इसको अपने पीसी में सेव करूँगा आप इस तरह से इसको सेव कर सकते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के और डिफरेंट एंगल्स के इमेजेज़ आप यहाँ से फ्री में ले सकते हैं हम लोग वापस आएंगे फोकस पर और यहाँ पर मैं एडवांस पर क्लिक करूँगा एडवांस पर क्लिक करने के बाद जो इसका एडवांस ऑप्शन पैनल खुलेगा सबसे पहले मैं एस्पेक्ट रेशो लूँगा फाइव टू की और उसके बाद क्या करूँगा कि मैं चला जाऊँगा स्टाइल पर यहाँ स्टाइल में जाकर मैं इसको फोकस मास्टर और फोटोग्राफिक इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा मॉडल जुगनेट एक्सेल है और इसका जो रिफाइनर है वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा इसके साथ जो है मैं इस्तेमाल करूँगा इसके एडवांस सेटिंग्स एडवांस में जाकर मैं सी एफ जी स्केलिंग्स और ये मैं शार्प मशीन दोनों को सेवन कर दूंगा जो डिबगिंग मोड है उसको ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल नेट में आऊँगा और कंट्रोल में मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट करना है मिक्स इमेज प्रॉम्प्ट एंड इनपेंट इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा अपने मेन फोकस पर और यहाँ पर मैंने इसके जो इनपुट इमेज है वहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीचे मूव करने के बाद प्रॉम्प्ट है इमेज प्रॉम्प्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा मेरे पास एक अपलोड का ऑप्शन होगा फोर बॉक्सेस हैं तो एक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद मैं एक डिज़ायर्ड इमेज है उसको अपलोड कर दूंगा जो मैंने नैट में थ्री सिक्सटी डाउनलोड किए थे एज ए रेफरेंस नीचे एडवांस का बटन है एडवांस के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ एडवांस ऑप्शंस होंगे कैनी पर क्लिक करूंगा और इसकी मैं जो है वो स्ट्रेंथ को कंबल कर दूंगा या इसकी स्ट्रेंथ पूरी आ, मैक्स कर दूंगा और वेट को जो है मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा अब मैं इमेज प्रॉप बॉक्स के अंदर एक प्रॉप लिखूँगा कुछ एट्रीबिशन लिखूँगा लाइक मास्टर पीस फोर और साथ में मैं कुछ जो है वो इसकी डिटेल्स बता दूंगा अपने कैरेक्टर्स की कि एक ऑफिशियल ड्रेस uh, में होनी चाहिए एक लेडी होनी चाहिए उसकी एज वगैरह बता सकते हैं कलर कंबिनेशन बता सकते हैं जैसे मैंने इसमें रेड स्कैर्ट और ब्लैक जो है वो मैंने uh, इसका कोट है उसके बारे में बताया और सेम लाइक दैट कुछ और चीज़ें हैं जैसे स्टैंडिंग पोज कुछ भी uh, आप दे सकते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूशन जनरेट के बटन पर क्लिक करूँगा अब अगर हम गार्डियो की वेबसाइट पर आएँ या कुलैब्स की वेबसाइट पर आए तो देखें यहाँ क्या हो रहा है इमेजिनेशन से पहले कुछ डिफरेंट मॉडल्स और जो है वो रिक्वायर्ड फाइल है वो डाउनलोड होगी इसके हमारे के लिए केस में हो रही हैं डिफरेंट फाइल्स इन पेंट के लिए वन पॉइंट समथिंग जी की हैं वो डाउनलोड होंगी और उसके बाद जो है हमारी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी जैसे हमारी इमेजिनेशन स्टार्ट होती है तो देखें हमारे जो इमेज़ हैं दो इमेज मैंने क्रिएट किए हैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं एक इमेज जो है उसके अंदर सेम जो है वो करेक्टर सेम जो है उसके क्लॉथज हैं जो मैंने उसको रिक्वायर्ड किया था और दूसरे के अंदर ड्यूअल कलर जो है उसने मिक्सअप कर दिया है सो तो आप अगर अपना डिज़ायर्ड जो है वो रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम आप इसको ट्राई कर सकते हैं मल्टीपल जो है वो एट्रीब्यूशन uh, या फिर कमांड जो है इसके अंदर दे सकते हैं कमांड बॉक्स के अंदर मैंने इसी को यूज़ करते हुए डिफरेंट कमांड यूज़ किए हैं और इसी तरह से मैंने इसको अचीव किया है डाउनलोड का बटन है ऊपर हमारे पास उस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा हमने साथ साथ जितने भी इमेजेस क्रिएट करने हैं उनको डाउनलोड करते जाना है क्योंकि हम इनको बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं मैंने डिफरेंट एंगल और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के इमेजेस बनाए हैं बट आप गौर से देखें तो इनके जो फेसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं है फेस डिफेम्ड है सो दैट इज़ वाई हम इसको डाउनलोड करेंगे और इन फेसेस को हम लोग दोबारा से रिफाइन करेंगे रिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम फोकस को ऑफ़ करेंगे जो हमारे पास चल रहा है तो हम प्ले के बटन पर दोबारा क्लिक करके उसको रन कर देंगे इस तरह से ये होगा कि जो मॉडल्स पहले डाउनलोड हो चुके हैं वो रिफ़्रेश हो जाएंगे क्योंकि फ्री कोलेब्स में अगर इतनी स्पेस नहीं होती सो हम ज़्यादा मॉडल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके बाद हम वापस आएंगे दोबारा उसी एंगल पर और फिर अब इन पेंट को खोलेंगे इन पेंट में हम लोग उन्हीं इमेज में से किसी एक इमेज को जो वो सेलेक्ट कर लेते हैं मैं एक मल्टी कलर डिज़ाइन वाला इमेज वो लेता हूँ ब्रश की मदद से जो है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा फेस को जो है लेडी उसका और उसके बाद मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पर मैं इसको डिटेल्स में चला जाऊंगा कुछ जो यहाँ पर मेथड है मेथड में मैं इसको इम्प्रूव डिटेल दूँगा हैंड फेस ए टी और साथ में कुछ इसकी जो है एडिशनल प्रॉप्स आ रहे हैं तो मैं इसको हाईली डिटेल फेस कैक कर देता हूँ जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखें हमारा जो इमेज होगा अब क्रिएट हुआ हुआ वो सेम वही इमेज होगा पर इसके अंदर जो फेस था पहले ख़राब और टिलडेड था वो ठीक हो जाएगा इससे के लिए भी कुछ मॉडल्स दरकार होते हैं सो दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट इट्रेशन पर अपने मॉडल्स को डाउनलोड करेगा जैसे मॉडल्स डाउनलोड हो जाएंगे उसके बाद ये इमेज क्रिएट कर देगा तो देखिए मेरा इमेज क्रिएट हो चुका है और इसका जो फेस है वो काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है रिफाइन हो गया हुआ है फेस पहले गिनस पर तो सेम लाइक दैट मैं अब नीचे वाले जो है इमेज को डिलीट करूँगा इसे ड्रैग करूंगा नीचे और इस इमेज में जो सेकेंड नंबर पर कैरेक्टर है उसके मैं सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करूंगा ब्रश की मदद मतलब से उसका फेस वो सेलेक्ट करूंगा और इस तरह अंटिल मैं सारे इमेज जो हैं वो रिफाइन कर लूँगा जितने भी फेस हैं वो सारे के सारे इसी इमेज को इस्तेमाल करते हुए जो इमेज नया बनेगा उसको मैं नीचे की तरफ डाउनलोड करूंगा सॉरी नीचे की तरफ मूव करूंगा अपने पैन में और फिर उसको रिफाइन करूँगा फिर अगला इमेज आएगा फिर उसको मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन